हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेस फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा दसवीं के विज्ञान की। इससे पहले विद्यार्थियों, हम चार पार्ट पढ़ चुके हैं और ये चार पार्ट आपको प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से मिल जाएंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं विद्यार्थियों, तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर से वॉच कर दें। आज हम केमिस्ट्री का पोर्शन शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा पांचवा पार्ट रहेगा दैनिक जीवन में रसायन, यानी कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये यूनिट काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब भी हम कभी केमिस्ट्री को पढ़ना आरंभ करते हैं, तो इन छोटी छोटी बातों की जानकारी बहुत आवश्यक होती है। अगर आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हो, इसका मतलब है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और जब तक विद्यार्थियों बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक हम आगे की जो मेजर मेजर चीज़ें हैं वो नहीं समझ पाएंगे। तो विद्यार्थियों, मेरा ये कहना है कि मेरे साथ अब आप केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल अच्छे से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जितना हो वीडियोज़ देखें, वीडियोज़ के बाद आप सॉल्यूशन देखें। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करोगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ज़्यादा आप उन चीज़ों को गहराई तक समझ पाओगे। यहाँ पर वीडियोस विद्यार्थियों छोटे काल के लिए, छोटे समय के लिए होते हैं, जिसमें मैं वो सारी चीज़ें आपको समझा नहीं सकता, जिसके अंदर क्वेश्चंस रहते हैं, अभ्यास प्रश्न रहते हैं। मेरा ये विचार रहता है कि मैं कम समय के अंदर आपको हाई लेवल का एजुकेशन दे पाऊँ, कम समय के अंदर आपको अधिक से अधिक जानकारी दे पाऊँ। ये मेरा हमेशा से विद्यार्थियों उद्देश्य रहा है और मैं उस उद्देश्य को पूरा भी करूँगा। मैंने चार पार्ट जिस तरीके से कंप्लीट करवाए हैं, उसी तरीके से, उससे भी बेहतर तरीके से आगे की यूनिट्स करवाने का मैं प्रयास करूँगा। इसमें हम इस सीरीज में, इस श्रेणी में हम पाँचवा पार्ट आरम्भ करेंगे आज, जिसका नाम रहेगा दैनिक जीवन में रसायन। जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और सब्सक्राइब के बाद वो बेल आइकन की घंटी दबाने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी यहाँ से कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं जिसे विद्यार्थियों आप सबसे पहले कर दें। और जो लोग हमारे साथ, जो विद्यार्थी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उसी प्रकार से वीडियो ग्रहण करते रहें, इसी प्रकार से वीडियो देखते रहें, ताकि उनका भी नॉलेज आगे इंक्रीज होता रहे। तो यहाँ पर आज हम बात करते हैं, आज हम शुरू करते हैं दैनिक जीवन में रसायन या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की। तो सबसे पहले जब हम ये यूनिट पढ़ते हैं, तो एक टर्मिनोलॉजी आती है विद्यार्थियों रसायन की, जिसको हम कहते हैं केमिकल। केमिकल, देखिए, दैनिक जीवन की बात आती है। दैनिक का मतलब है प्रत्येक दिन, दिनचर्या की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? दैनिक का मतलब है दिनचर्या। आज आपने खाना खाया, कल भी खाना खाओगे, उसके बाद भी खाना खाओगे, उसके बाद, यानी कि ये क्या है विद्यार्थियों? दिनचर्या है। तो बात क्या कर रहे हैं हम? दैनिक की बात कर रहे हैं, दिनचर्या की ही बात कर रहे हैं। दैनिक जीवन में रसायन, यानी कि जो हम जीवन जी रहे हैं प्रतिदिन, इस जिंदगी के अंदर, इस जीवन के अंदर हमारी जिंदगी में रसायन किस प्रकार से दिनों दिन इंटरफेयर कर रहे हैं, क्या आपने इसकी कभी कल्पना की है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? शायद नहीं। अगर मैं बात करूं खेती की, क्योंकि इसी से हमको अनाज मिलता है और इसी से हमारी भूख शांत होती है, am I right or wrong? तो मैं बात करूं खेती की, तो खेती के अंदर विभिन्न प्रकार के रसायन डालते हैं, जिससे कि अनाज जल्दी से उत्पन्न हो जाए और अधिक उत्पन्न हो जाए। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों, अगर हम बात करते हैं फलों की, तो रसायनों का छिड़काव किया जाता है, रसायनों के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे कि फल तेजी से ग्रो करें और वो खाने योग्य बन सकें, उसको मार्केट के अंदर भेजा जा सकें, उससे अच्छे पैसे कमाए जा सकें। तो ये कुछ बातें रहती हैं विद्यार्थियों, जिसको गहराई तक समझना जरूरी है।
इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों अगर हम बात करते हैं मसालों की, इसके अंदर भी रसायन का मिश्रण होता है। इतनी बातें समझ गए? तत्पश्चात विद्यार्थियों क्या होता है, कभी कभी हम बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? अस्पताल जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर क्या लिखता है? डॉक्टर विद्यार्थियों दवाइयां लिखता है। अब प्रश्न आता है दवाइयों पर कि दवाइयां क्या होती हैं। विद्यार्थियों दवाइयां भी क्या होती हैं? एक रसायन ही होती है। तो दैनिक जीवन में रसायन का विद्यार्थियों बहुत ज़्यादा महत्व है। दैनिक जीवन में रसायन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम इन रसायनों के अंदर अम्ल क्षार और लवण पढ़ेंगे, और उसके बाद जो इस पाठ के अंदर टॉपिक्स रहते हैं जैसे कि अम्ल क्षार की अवधारणाएं, जिसको अलग अलग लोगों ने दी थी। आरएनएस ने अलग दी थी, ब्रास्टेड लॉरी ने अलग दी थी, लुइस ने अलग दी थी, तो उनको हम डिफरेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो हमारे टॉपिक रहेंगे एसिड बेस एंड साल्ट, यानी कि अम्ल क्षार और लवण। तो यहाँ से मैं एक बार इसको विद्यार्थियों हटा देता हूँ ताकि उन चीज़ों को देखने में परेशानी नहीं हो। अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एसिड कहते हैं। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। तो एसिड कैसा शब्द हो गया? ये अंग्रेजी में शब्द हो गया। ये जो अंग्रेजी में हम एसिड कहते हैं, ये भी एक भाषा से बना शब्द है जिसका नाम है लैटिन भाषा। लैटिन भाषा के किस शब्द से? तो लैटिन भाषा के अंदर भी एक शब्द है जिसका नाम है एसिडस, एसिडस। तो एसिडस शब्द से क्या बना? एसिडस शब्द से बन गया एसिड, और एसिड से क्या बन गया? अम्ल बन गया। और अगर हम लैटिन शब्द एसिडस की बात करते हैं तो इसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है? खट्टा। क्या होता है विद्यार्थियों? खट्टा। अब हम इस अम्ल के कुछ गुण धर्म देख लेते हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके क्या क्या गुण धर्म होते हैं। सबसे पहले मैं उदाहरण लूंगा नींबू का, क्योंकि ये आप आम तौर पे पीते हो नींबू। नींबू विद्यार्थियों आप आम तौर पे पीते हो, वो पीने में स्वाद में कैसा होता है? तो आप कहोगे कि ये सर स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। तो पहला रिजल्ट तो यहीं से मिल गया, पहला रिजल्ट आपको यहीं से मिल गया। क्या मिल गया? कि अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी बात, यहां पर जो ये अम्ल है विद्यार्थियों, इस अम्ल से एक आप सूत्र बना ले, अनिल नाम से एक सूत्र बना दे, ये बहुत काम आने वाला है। अनिल क्या काम में आएगा उसको देख से। अ का मतलब यहां से अम्ल, नी का मतलब है नीला, ल का मतलब है लाल। अब देखिए, अम्ल नीले को, अम्ल नीले को लाल कर देता है, यानी कि अम्ल यहां से देख लीजिए, दूसरा अम्ल नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले को लाल। अब हम बात करते हैं कुछ अम्लों की, कुछ एसिड्स की। विद्यार्थियों इन अम्लों को हम दो श्रेणियों के अंदर विभाजित करते हैं, एक सांद्र अम्ल, दूसरा तनु अम्ल।
वो क्या होते हैं उसको भी मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अम्ल लिखा, इसको मैंने दो भागों में विभाजित कर दिया। एक मैंने कहा सांद्र अम्ल और एक मैंने कह दिया तनु अम्ल। अम्ल कितने टाइप की होगी, दो टाइप की, सांद्र और तनु। सांद्र का क्या मतलब हुआ और तनु का क्या मतलब हुआ, तो इधर से देखिए, ये मेरे पास विद्यार्थियों एक परख नली है। ये परख नली लगभग आप मान लीजिए 20 ml की है। ये परख नली कितने ml की है, 20 ml की है। इस 20 ml के अंदर विद्यार्थियों हमने 10 ml तो भर दिया अम्ल, 10 ml क्या भर दिया एसिड भर दिया, और 5 ml क्या भर दिया जल भर दिया। जब अम्ल और जल के विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो हम कहेंगे अम्ल कैसा है, सांद्र है। जब अम्ल व जल के विलयन में अम्ल की मात्रा कम हो जल अधिक हो तब हम कहेंगे वह अम्ल कैसा है, तनु अम्ल है। जिसमें कम वो सांद्र, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा तनु। सांद्र अम्ल कौन कौन से हैं उसके एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हो, HCl और H2SO4। और यहां पर तनु अम्लों के अंदर आप याद रख सकते हो CH3COOH, H2CO3, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हम कहते हैं एसिटिक अम्ल और इसको हम कहते हैं कार्बनिक अम्ल। ये दो कैसे हो गए, सांद्र अम्ल हो गए। ये दो कैसे अम्ल हो गए, तनु अम्ल हो गए। इसके अलावा भी कुछ और अम्ल रहते हैं, जैसे कि मैं यहां पे लिख रहा हूं एक नंबर में, सिरके में अम्ल कौन सा होता है, ये होता है एसिटिक अम्ल। ऐसे प्रश्न विद्यार्थियों पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप क्या कह दोगे कि सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दो नंबर पे संतरे में और टमाटर में एक ही होता है, संतरे और टमाटर में होता है विद्यार्थियों एस्कार्बिक अम्ल। फिर विद्यार्थियों कभी कभी आपको सेब का भी पूछा जा सकता है, तो सेब में होता है मैलिक अम्ल। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों आपसे पूछा जा सकता है चींटी के डंक में कौन सा होता है, चींटी के डंक में, तो चींटी के डंक में होता है फार्मिक अम्ल। इसके अतिरिक्त आपको विद्यार्थियों इमली का भी पूछा जा सकता है, तो इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। नींबू का पूछा जा सकता है, तो नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो इस प्रकार से मैंने यहां पे कुछ लिखे पदार्थ और उसके बाद हमने उसमें पाए जाने वाले अम्लों को भी लिख दिया। सिरके में एसिटिक अम्ल, संतरे और टमाटर में एस्कार्बिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल और नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। तो ये ऑल ओवर विद्यार्थियों किसकी बात हो गई, ये ऑल ओवर बात हो गई अम्ल की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्षार के बारे में। तो नेक्स्ट दूसरा रहेगा यहां पर क्षार। जिसको कहते हैं बेस। आपने अम्ल देख लिया, खट्टा होता है और नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। लेकिन जो क्षार होते हैं उनका स्वाद खट्टा नहीं होता है, उनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। जिस प्रकार से अम्ल नीले को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं,
इसके उल्टा क्षार में लिखना है, यानी कि क्षार लाल लिटमस पत्र को या लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये आप यूं याद रख सकते हो, क्षार लाल को नीला, किसके उल्टा, इस अनिल के, इस अनिल में उल्टा चलना है, अनिल में अम्ल नीले को लाल, लेकिन आपको लाल का नीला किसमें लिखना है, क्षार के अंदर। आगे हम बात करते हैं क्षार की, कुछ एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल के लिए क्षार भी विद्यार्थियों दो टाइप के होते हैं, एक होता है सांद्र क्षार, एक होता है तनु क्षार। सांद्र और तनु में मैं पहले फर्क बता चुका हूं कि सांद्र का मतलब है जिसमें क्षार की मात्रा अधिक हो, तनु का मतलब है जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो। तो जिस किसी भी पदार्थ के अंदर अगर पानी की मात्रा ज्यादा है देन वो विलयन कैसा हो जाएगा, तनु हो जाएगा। सांद्र क्षार कौन कौन सी हैं? तो दो नाम आपको याद रख लेने, एक NaOH, दूसरा इसके अंदर आपको नाम याद रख लेना है KOH। इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको कह देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों कैसे हैं विद्यार्थियों, क्षार, सांद्र क्षार कहलाते हैं। और बात करें हम तनु क्षार की, तो तनु क्षार के अंदर आते हैं विद्यार्थियों MgOH2, CaOH2, AlOH3 और इसके अलावा आप याद रख सकते हो NH4OH। तो बहुत नाम हो गए हैं तनु क्षार के, जिसके अंदर हमने यहाँ पर देखा पहला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से ये कुछ तनु क्षार होते हैं और ये सांद्र क्षार हो जाते हैं। तो यहां पर विद्यार्थियों आपने क्या पढ़ लिया, क्षार भी पढ़ लिया। अब हम इन दोनों की विद्यार्थियों क्रिया करवाते हैं, जैसे कि ये अम्ल है, इंपॉर्टेंट है समझना, ये अम्ल है, इस अम्ल की क्रिया मैंने किससे, किसके साथ करवाई, क्षार के साथ, इसके साथ में किसकी क्रिया, अम्ल की क्रिया। जब अम्ल की क्रिया क्षार के साथ में होती है तो विद्यार्थियों लवण बनता है और साथ में जल भी बनता है। जब अम्ल व क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, इसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इस कारण इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो दो तीन चीजें यहां से क्लियर हो गई होगी। पहला प्रश्न यहां से आपको पूछा जा सकता है कि जब अम्ल क्षार के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद के रूप में क्या क्या बनता है, तो लवण और जल बनता है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अगर छोटे छोटे बहुत सारे याद रखोगे तो बड़ा क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम तरीका चेंज करते हैं,
यहाँ पे हमने क्या लिखा था, आम्ल क्षार लिखा, फिर लवण और जल लिखा। अब मैं यहाँ पर एक बार इसको हटा देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे हमने लिखा अम्ल, अम्ल की अभिक्रिया हमने किसके साथ में करवा दी, क्षार के साथ में करवा दी, और इसके परिणाम स्वरूप क्या बन रहा था, लवण बन रहा था, जल बन रहा था, और साथ में क्या निकल रही थी, ऊष्मा निकल रही थी। इसलिए हमने इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा था। विद्यार्थियों, अगर अम्ल कैसा हो, सांद्र हो, क्षार भी कैसा हो, सांद्र हो, तो जो लवण बनेगा वो लवण आपके कैसा होगा, उदासीन होगा। अगर यहां पे तनु अम्ल होता, यहां पे तनु क्षार होता, तब भी लवण कैसा बनता, उदासीन बनता। लेकिन यहां पे पहले हमने कौन सा उदाहरण लिया है, सांद्र अम्ल और सांद्र क्षार का लिया है, जिसके अंतर्गत सांद्र अम्ल हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र क्षार हमने ले लिया NaOH। जब इन दोनों की हम रिएक्शन करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो एक तो बनता है विद्यार्थियों NaCl लवण और एक बनता है जल। यहां पर जो ये लवण बना है, ये लवण कैसा है, उदासीन लवण है। लेकिन अब हम इस मेथड को थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम यहां पे अम्ल तो वही रखेंगे, सांद्र अम्ल, अम्ल तो वही रखेंगे, लेकिन क्षार हम चेंज कर देंगे, सांद्र की जगह क्या लेंगे, तनु लेंगे। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो वही चीज बनेगी, लवण और जल बनेगा। लेकिन यहां पर जो लवण होगा वो लवण विद्यार्थियों अम्लीय प्रकृति का होगा। लवण किस प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। रिएक्शन देख लीजिए, उदाहरण के द्वारा अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। सांद्र अम्ल के रूप में हमने यहां पे लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु क्षार के रूप में हमने यहां पर ले लिया NH4OH। ये तनु क्षार, ये सांद्र अम्ल, इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा विद्यार्थियों, NH4Cl जो कि एक अम्लीय लवण है, और इसके साथ में क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, H2O बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सांद्र अम्ल नहीं लेंगे, अब हम कैसा अम्ल लेंगे, तनु अम्ल लेंगे। लेकिन क्षार कैसा लेंगे, अब सांद्र क्षार लेंगे। जब तनु अम्ल की अभिक्रिया हम सांद्र क्षार के साथ में करवाते हैं तो भी विद्यार्थियों लवण और जल बनता है। लेकिन अब यहां पर जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति अम्लीय ना होकर के कैसी होगी, क्षारीय होगी। इसको आप एक एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तनु अम्ल के रूप में हमने यहां पर विद्यार्थियों रख लिया CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, और सांद्र क्षार के रूप में हमने यहां पर रख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। जब इन दोनों की हम रिएक्शन करवाते हैं या अभिक्रिया करवाते हैं तो एक तो बनता है सोडियम एसिटेट यानी कि यूं बनता है CH3COONa, और इसके साथ में विद्यार्थियों क्या बन जाएगा, इसके साथ में बन जाएगा जल यानी कि H2O। यहां पर जो ये CH3COONa लवण बना है, इस लवण की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो सांद्र होगा ना, मिश्रण के अंदर जो सांद्र होगा वैसा विलयन बनेगा। यहां पे सांद्र क्या था, अम्ल था, विलयन कैसा बन गया, अम्लीय बन गया। यहां पर सांद्र क्या था, क्षार था, तो विलयन कैसा बन गया, लवण कैसा बन गया, क्षारीय बन गया। यहां पर दोनों सांद्र थे, लवण कैसा बन गया, उदासीन बन गया। तो जो सांद्र अम्ल या क्षार होगा तो अम्ल और क्षार के विलयन में जो सांद्र होगा लवण उसी प्रकृति का बनेगा। अगर अम्ल सांद्र है तो लवण अम्लीय, अगर क्षार सांद्र है तो लवण क्षारीय होगा। इस वीडियो के अंदर विद्यार्थियों हम इतना ही पढ़ेंगे अम्ल और क्षार। इसके आगे जब वीडियो लाएंगे तो उसके अंदर हम लवण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद।